नववर्ष के पहले दिन राशि अनुसार इन मंत्रों का करेंगे जाप तो खुशियां देंगी दस्तक। सोमवार को बड़े शुभ योगों में हो रही है नए साल की शुरुआत और सोमवार को माना जाता है भगवान शिव का दिन। भगवान शिव से संबंधित मंत्रों का राशि अनुसार जाप करने से भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, सपने होंगे पूरे और सफलता कदम चूमने लगेगी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साल 2024 दस्तक दे रहा है और साल के पहले ही दिन ज्योतिष में बहुत ही शुभ माने जाने वाले कई राजयोग बन रहे हैं, कई शुभ योग बन रहे हैं, कई चमत्कारिक योग बन रहे हैं। साल 2024 की शुरुआत सोमवार पौष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः 8:36 तक पहले मघा और फिर पूर्व फागुनी नक्षत्र में कन्या लग्न और सिंह राशि में हो रही है। इस दिन प्रातः आयुष्मान योग, सौभाग्य योग रहेगा। नए साल की शुरुआत में ही गज लक्ष्मी, आयुष्मान योग, गज केसरी योग जैसे कई महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ राजयोग बन रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत सोमवार को हो रही है और सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन कई शुभ योगों का बनना इस दिन का महत्व और बढ़ा रहा है। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप भी नए साल की शुरुआत में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और भगवान शिव से संबंधित मंत्रों का अपनी राशि के मुताबिक अगर आप जाप करेंगे आपको बेहद शुभ नतीजे मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की आप पर पूरी कृपा बरसेगी। मैं सभी 12 राशियों के जातकों के लिए राशि के अनुसार भगवान शिव से संबंधित मंत्र बता रहा हूँ। छोटे छोटे मंत्र हैं, बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं। आप जाप करेंगे तो आपको एक एक माला अगर आप जाप करेंगे अपनी राशि के अनुसार करेंगे तो आपको बेहद शुभ फल जो है वो प्राप्त होंगे। पहले मैं मेष राशि की बात करता हूं, तो मेष राशि वाले साल के पहले ही दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करते समय ओम ज्योतिर्लिंग नमः मंत्र का एक माला जाप करें, आपको बेहद शुभ नतीजे मिलेंगे। वृषभ राशि वाले भगवान शिव की पूजा करते समय ओम मल्लिकार्जुन नमः मंत्र का एक माला जाप करें, शुभ नतीजे मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि पाने के लिए नव वर्ष के पहले ही दिन ओम विश्वनाथ नमः मंत्र का जाप करें, शुभ फल मिलेंगे। कर्क राशि के जातक कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने के लिए नव वर्ष के पहले ही दिन पूजा करते समय ओम नीलकंठ नमः मंत्र का जाप करें, बहुत सिंपल मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। सिंह राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन पूजा करते समय ओम त्रिपुरारी नमः मंत्र का एक माला जाप करें, इस मंत्र के जाप से आपके कैरियर को नया बल मिलेगा। कन्या राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम मल्लिकार्जुन नमः मंत्र का जाप करें, शुभ फल मिलेंगे। तुला राशि के जातक पूजा करते समय ओम मंगलेश्वर नमः मंत्र का एक माला जाप करें। वृश्चिक राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन नारियल जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसा करते समय ओम नागार्जुन नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसा करते समय ओम मृत्युंजय नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि वाले मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य भगवान शिव हैं, अतः मकर राशि के जातक विधि विधान से अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करें और इस समय ओम रामेश्वर नमः मंत्र का एक माला जाप करें। कुंभ राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन विधि विधान से अपने आराध्य महादेव की पूजा करें, साथ ही पूजा करते समय ओम सोमनाथ नमः मंत्र का जाप करें। और अंत में रहेगी मीन राशि। मीन राशि के जातक नव वर्ष के पहले दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने हेतु गंगा जल में बेल पत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और इस समय ओम दीनानाथ नमः मंत्र का एक माला जाप करें, तो आपके लिए नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। साल भर भगवान शिव की आप पर कृपा बरसती रहेगी।
आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।